नोएडा में आज सुबह एक तेज रफ्तार कार ने एक रिक्शा चालक और दो महिलाओं को जबरदस्त टक्कर मार दी है। उसके बाद तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक घर से जा टकराई, जिससे एक घर की बाउंड्री वॉल टूट गई है और अंदर खड़ी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार दो लड़के भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अन्य घायलों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 58 थाना इलाके के सेक्टर 55 में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में पुलिस जाँच में जुट गई है। आखिर किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और सुबह ये दोनों युवक कहाँ के लिए निकल रहे थे? पुलिस के मुताबिक रिक्शा चालक व महिलाओं को चोटें आई हैं, कार सवार युवक भी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।